हमनी के कहां फंसा बतानी। नहीं पहले बतौले रहनी कि हमनी के जोगी बैरागी बानी माई, हमनी के अपन पुत्र ना बनाई माई। जोगी बाबा, मेरा इस दुनिया में एक ही बेटा गोपी चंद था, आज वो भी बेटा इस दुनिया संसार में नहीं। तुम्हारे ऐसा मेरा बेटा था, इसीलिए मुझे विश्वास नहीं हो रही। ठीक बा माई, हे गुरुदेव, अपने शिष्य गोपी चंद के ऊपर ख्याल रखिएगा। जेह जेह कहबे माई, मैं तुमसे आशीर्वाद लेकर के शिकार के लिए जंगल में गया था। हाँ मेरे लाल। और मैं जंगल में एक मिर्गा को मार दिया। मैं इस बात को नहीं जानता था माँ कि वह मिर्गा 700 मृगनयनी के माथे का सिंगार था। एक मिर्गा को मर जाने के बाद 700 मृगनयनी विधवा हो गई। वह 700 मृगनयनी ने मुझे श्राप दे दिया। माँ, हाँ बेटा, श्राप से मुक्ति पाने के लिए मैं लाख गिरगिराया तो वह 700 मृगनयनी ने मुझे बताया कि तू गुरु गोरखनाथ के शरण में चला जा, वही तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बता सकते हैं। गुरुदेव के शरण में जाने के बाद यह वस्त्र मुझे मिला है। लेकिन बेटा, गुरुदेव का कहना है संसार में 80 मन तिल और जौ मांग करके लाना होगा, फिर 80 मन गुदरी। और संसार में पहला भिक्षा तुम्हें अपने मां के हाथों से मांगना है, दूसरा भिक्षा अपने पत्नी के हाथों से, और तीसरा भिक्षा अपने बहन के हाथों से। गुरु
गुरुदेव बलि खल कई गे माता। ऐसा नहीं को मेरे लाल हाजुए के बिना माता जी श्री। आज तुमने ये दस्तक धारण कर लिया बेटा, लेकिन ये तुम नहीं जाना कि मेरी मांग माल में कैसे रहेंगे। माँ जो लिखा है कर्म में विधाता उसे मिटाने वाला कोई नहीं। नहीं बेटा, अगर तू आज अपने हाथों से मुझे भिक्षा नहीं दोगी तो मैं इस संसार में श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। बेटा, अगर मैं तुम्हें भिक्षा नहीं देती हूं तो तुम इससे कैसे मुक्त होगे बेटा? लेकिन बेटा, मैं इस महल में कैसे रहूंगी बेटा, मैं तुम्हारे सिवा? माता श्री, इस समय मैं अपने गुरुदेव का दास हूं। इस समय संसार में मैं भ्रमण करने के लिए आया हूं मां। इस समय मैं आपका पुत्र नहीं। सोचा था चुपचाप मां के हाथों से भिक्षा लेकर के चला जाऊं, लेकिन मेरी महारानी मुझे पहचान लिया। माँ, हाँ बेटा, जिस दिल के बारे में महारानी कह रही थी, देख माँ, वो दिल मेरे कांधे पे मौजूद है। हाँ बेटा, इस वक्त तुम्हारे लेकिन गुरुदेव के इच्छा अनुसार तुम सबको यह दिल नजर नहीं आया, लेकिन माँ बेटा, माँ के दूध के सामने आज गुरुदेव का वचन भी हार गया। माँ बेटा, विलंब ना करो,
मुझे संसार में भ्रमण करने के लिए जाना है। अस्सी मन तिल और जौ मांग करके एकत्रित करनी है, 85 मन खुदरी मांग करके गुरुदेव के शरण में मुझे जाना है। ठीक है बेटा, ये लो बेटा, आज पहला भिक्षा माँ के हाथ से मैं तुम्हें भिक्षा दे रही हूँ बेटा। आज दिन निया माई बाबू वाके भी खाए देव माई भांगा लो गुदा